ब्रीजा चलाते हैं, लेकिन आज आज कौन सी गाड़ी चलाई थी? शिफ्ट। हाँ शिफ्ट चलाई थी यार, एक्टिवा बोलने वाला था ना। हाँ गलती से एक्टिवा निकल गया। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह की 6:30 बज चुके हैं एंड मैं एंड दीदी फिलहाल निकल रहे हैं अभी जिम के लिए। तो फिलहाल पहले तो जिम चलते हैं। चलो दीदी। हाँ चलिए, लेट हो रहा है एंड फिर एटिंग वर्क भी कम्प्लीट करनी है। अब तक एटिंग वर्क कुछ भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, जस्ट मैंने ब्लॉग लिया एंड एडिटिंग करना स्टार्ट किया था एंड फिर थोड़ा मुझसे तैयार होकर पहले जिम के लिए जा रहे हैं। खत्म हो ही गई एंड अभी घर पे चलते, पता नहीं घर पे चलना है या फिर दुकान पे रहना है। नहीं तो मुझे घर पे आने के लिए कहा है या फिर दुकान पे रहने के लिए? आई डोंट नो भैया, एक बार फोन में मैं मम्मी को कॉल कर देता हूँ, पता चल जाएगा। पता चल गया, कॉल करा अभी, पहले एक बार मम्मी को कॉल कर ही लेते हैं क्योंकि फिर वापस से घूमना। क्यों चलो ठीक है, आप जाओ भाई। पापा जी आने तक हमें दुकान पे रुकने के लिए कहा है। चलो कोई नहीं, जब तक आई फटाफट सेटिंग और कंप्लीट कर लेते हैं। जब तक हुई भी नहीं है वेटिंग एंड अभी 8 बज चुके हैं, 2 घंटे में एडिटिंग और सब कुछ करके अपलोड भी करना है। चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं एंड फटाफट से अपलोड करने की ट्राई करते हैं। एडिटिंग वगैरह तो कंप्लीट हो गई एंड अपलोडिंग भी फिनिश हो चुका है। तो अभी 9:30 बज गया, 8 o'clock को बैठा था एंड 1.5 hour में एडिटिंग और सब कुछ कंप्लीट करके अपलोडिंग भी कर दिया। तो अपलोडिंग में ज़्यादा टाइम लगे, जस्ट 10-12 minutes लगे क्योंकि 9:20 को एडिटिंग कंप्लीट हो गया एंड 10-12 minutes में अपलोडिंग भी कंप्लीट कर दिया। सो अभी चलते हैं दुकान एंड मस्त पापा जी का इंतजार करते हैं क्योंकि यार सुबह से अब तक नहाया भी नहीं हूँ। जैसे पापा जी आएंगे दुकान पे फिर हम जाएंगे घर पे। सो अभी चलते हैं दुकान पे। कब से भाई गोडाउन में बैठ के ही फटाफट एडिटिंग कंप्लीट करनी, क्योंकि दुकान पे बैठा तो आराम से 2 से 2.5 घंटे चले जाएंगे एडिटिंग करते, क्योंकि बार बार कस्टमर्स आते रहेंगे, हम एडिटिंग स्टॉप करते रहेंगे, आते रहेंगे स्टॉप करते रहेंगे। इससे अच्छा 1.5 hour स्पेंड किया एंड गोडाउन में बैठ के फटाफट एडिटिंग कंप्लीट करें। तो बैठते हैं दुकान। अपनी बाइक की चाबी ले लेते हैं एंड चलते हैं। पापा आ गए दुकान पे, तो मस्त सिरांडा लेके घर पे चलते हैं एंड थोड़ी बहुत मम्मी जी ने सब्जियां भी लेके आने के लिए कहा है, तो रास्ते में से थोड़ी बहुत सब्जियां भी ले लेंगे। तो जो भी मम्मी जी ने सब्जियां खाया था सारी तो ले ली एंड अभी पहले घर पे चलते हैं। फिलहाल अभी घर पे तो पहुंच गए एंड सब्जी वगैरह जो भी थी मैंने मम्मी जी को धो दिया, तो मम्मी जी फिलहाल सब्जी वगैरह धो रहे हैं एंड अभी हम भी चलते हैं, फटाफट से फ्रेशअप हो जाते हैं। भाई बहुत ही पसीना आ रहा है एंड गर्मी भी बहुत ही खतरनाक लग रही है एंड आज मस्त पीने का पानी भी आया है, मस्त इससे नहाएंगे भाई, मज़ा आएगा पाइप पे भाई। पाइप से नहाने का तो मज़ा ही अलग है यार। नहाना वगैरह हो चुका है भाई, कलर सब जगह से चले गया, अपने हाथ के ऊपर भी नहीं दिया यार। हाथ के ऊपर कभी भी बहुत ही कलर, नाखून में एंड ये वाला हाथ में भी बहुत ही कलर है, अभी भी अभी दिख रहा होगा भाई। ये उंगली के बीच में पता नहीं कब जाएगा, लेकिन हल्लू हल्लू निकल जाएगा, कोई नहीं। एंड फिलहाल भी जस्ट अभी पापा जी का कॉल आया था, पापा जी ने कहा मुझे वापस अभी दुकान जाना पड़ेगा। दीदी फिलहाल बना रही है भैया का खाना, तो जैसे भैया का खाना बनता है फिर चलते हैं दुकान। एंड हमारा लंच तो मस्त आज कैरेट एंड कीरा खाएंगे भाई, मस्त फ्रेश वेजिटेबल खाएंगे जो कि आज मैं लेके आया था। ये सारे सब्जी आज मैंने लेके आया, सही लेके आया मैम सब्जी आज मैंने। हाँ मम्मी आपने जो भी सब्जियाँ खा था सारी लेके आया, लेकिन एक दो मुझे फिर भी कम लगी थी क्योंकि जब मम्मी जी ने कहा था तब तो 14 काउंटिंग में आई थी एंड मैं जब सब्जियाँ लेके आया तब तो 12 ही आई यार, पता नहीं कौन सी सब्जी मिस हो गई। अब मम्मी जी को ही मालूम है वो, कोई नहीं मम्मी जी कहेंगे तो और 2 सब्जियाँ पता नहीं कौन सी मिसिंग हो रही है वो सब्जियाँ लेके आ जाएंगे। तो फिलहाल मस्त गाजर खाते हैं एंड फिर चलते हैं दुकान। आप चलोगे मम्मी दुकान? अभी पापा का बाल आया था, टिफिन लेके आने के लिए बोला गया था। बाय मम्मी, बाय दी। भैया का टिफिन तो ले लिया एंड फिलहाल भी दुकान पे चलते हैं भाई। गर्मियों में भी दुकान में जाना बोल तो बहुत मुश्किल है यार, बहुत ही कड़क धूप गिर रही है। कोई नहीं पहले चलते हैं दुकान। कहाँ पे गई? सर्विसिंग को दिया। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी क्या? बेरिंग गया। बेरिंग गया ऐसे कैसे गया? वो तुम्हारे को मालूम, तुम चलाते। मैं एक्टिवा नहीं, अभी ज़्यादातर हीरोंडा चला रहा हूँ मैं तो अभी। चलो इसलिए मुझे बुलाए, इतनी कड़ी धूप में इसलिए मुझे बुलाए। पर देखो कितनी सारी कड़ी धूप है, ठंडा मौसम है। हाँ ठंडा मौसम है, बाहर जाए तो खतरनाक गर्मी लग रही है मालूम।
मैं 3 बजे आऊँगा ठीक है घर पे ड्राइविंग स्कूल के लिए। तो कैसे आओ फिर मैं घर पे? नहीं 3 बजे आऊँगा हाँ, क्योंकि मुझे वापस नहाना रहेगा, इतनी गर्मी लग रही। ठीक है पापा तो चले गए भाई, पता नहीं कैसे प्रॉब्लम आ गई एक्टिवा में, तो पापा जी ने आज सर्विसिंग में दे दी गाड़ी, इसलिए मुझे आना पड़ा दुकान, वरना घर पे ही रहते यार। चलो कोई नहीं, अभी दुकान पे आ ही गए तो 3 बजे तक रह के ही जाते हैं। तो अभी जस्ट 1:45 हुआ है, तो और हमें 2 घंटे का टाइम है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं तब तक दुकान में। पहले दुकान को अच्छी तरह से वॉच करते हैं एंड फिर कुछ ना कुछ आइडिया निकल ही आएगा दिमाग से। तो पहले तो देखते हैं क्या कर सकते हैं भाई, कस्टमर्स आते हैं तब कुछ भी नहीं कर सकते, चलो कस्टमर से ही करते हैं। शाम के अभी 3:47 बज चुके हैं एंड भाई बाहर का मौसम एकदम बुरा हो चुका है, एकदम डल हो चुका है पूरा मौसम, जैसे कि खतरनाक वाली बारिश आने वाली हो। लेकिन पापा जी भी आ गए अभी घर से, तो हीरोंडा लेके आ गए एंड अभी हम चलते हैं घर पे, क्योंकि 4 बजने वाले हैं एंड हमें ड्राइविंग क्लास भी तो ज्वाइन करना है। तो पापा जी एक्चुअली एक्टिवा लेने गए हैं, क्योंकि सर्विसिंग दी थी ना, तो वहाँ से कॉल आया था एंड सर्विस कंप्लीट हो चुकी है कैसे, तो पापा जी लेके आ जाएंगे एंड अभी हम चलते हैं। तो पहले गाय को रोटी भी देनी है, तो बीच में गौशाला आएगा तो वहाँ पे गाय को रोटी देते हैं एंड फिर चलेंगे घर पे। तो सही है भाई मौसम, लेकिन इस तरफ देखो एकदम बुरा हो चुका है। चलो कोई नहीं, हमें तो इसी तरफ जाना है, तो घर की तरफ शायद बादल इतने है नहीं, तो फिलहाल चलते हैं इसके एंड सर्विस हो गई इसकी कंप्लीट। क्या प्रॉब्लम हो गया था? कुछ अंदर बेयरिंग चले गया था ना, रिप्लेस हो गया बेयरिंग का। पापा जी भैया के ऊपर गुस्सा हो रहे क्योंकि भाई यहाँ पे छोटा सा डैमेज हो गया गाड़ी को, क्यों भैया कल गए थे गाड़ी लेके। चलो कोई नहीं, वो तो चल जाएगा। चलो मैं जाता हूँ पहले घर पे, बाय। मेरी बारी आ चुकी है, तो अभी करते हैं ड्राइव। ड्राइविंग क्लास तो कंप्लीट हो गई एंड हम रोज जो ये ब्रीजा चलाते हैं, लेकिन आज कौन सी गाड़ी चलाई थी? शिफ्ट, हाँ शिफ्ट चलाई थी यार। एक्टिवा बोलने वाला था ना, हाँ गलती से एक्टिवा निकल गया, क्योंकि एक्टिवा आज सर्विसिंग में दिया पापा ने, जैसे अभी लेके भी आ गए पापा, मालूम है मुझे दुकान में गया जब मालूम गिरा, पहले मालूम ही नहीं था। चलो कोई नहीं, अब पहले तो घर पे चलते हैं। आज ये जो गाड़ी चलाई थी ना शिफ्ट, एकदम अलग ही थी यार आज, बट आज अच्छा लगा मेरे को। नहीं मेरे को जो व्हील है ना स्टीयरिंग, हाँ बहुत ही फ्री है, बहुत फ्री है, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा था मेरे को बार बार, बहुत अच्छा लगा। नहीं तो जो ब्रीजर रोज चलाते उसके अंदर एकदम सही आ रहा था, लेकिन इसके अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई। चलो कोई नहीं, फिर भी मैनेज कर लिया, भैया ने मैनेज किया यार, मैंने कुछ भी मैनेज नहीं किया। तो कोई नहीं, अभी घर पे चलते हैं। हेलो मम्मी जी। तो मम्मी जी फिलहाल बॉम्बिटा पीते हुए डॉगी को एक रोटी देते हैं, सुबह से मैंने दिया ही नहीं क्योंकि मैं तो दुकान पर था। चलो रोटी खाएगा, रोटी खाएगा, चलो भाई पूछ हिला दी इसका मतलब खाएगा। रोटी के टुकड़ा करके देते हैं। डॉगी ने तो रोटी खाई लिया एंड हम भी अभी मैं बॉम्बिटा पीते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पियेंगे भाई, जिसको थोड़ा ठंडा करके पियेंगे। मैं सोच रहा इसके अंदर आइस क्यूब डालूं, लेकिन ठंडा करने से अच्छा आइस क्यूब डाल दो, फटाफट काम हो जाएगा अपना। सो ट्राई करते हैं, पहले तो आइस क्यूब निकालता हूँ जो कि मैंने होली के लिए बनाया था आइस क्यूब एंड अभी किसी और के लिए काम आ रहे। चलो आइस क्यूब निकालते, 4 आइस क्यूब्स निकले हैं लेकिन भाई हाथ से फिसल रहे हैं, तो दूध के अंदर डालते हैं एंड ट्राई करते हैं कैसा रहता है टेस्ट। चलो अपने 4 आइस क्यूब्स आ गए इसके अंदर, अभी इसको ठंडा होने के लिए वेट करते हैं 5 मिनट। 4 आइस क्यूब्स तो झट से पिघल गए, इसलिए और 4 आइस क्यूब्स डालना पड़ा, तो दूध थोड़ा सा लाइट सा गर्म है ना, इसलिए फटाफट से पिघल जाएगा आइस क्यूब। कोई नहीं, 4 और डाल दिए मैंने, पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन फिर भी टेस्ट तो करना पड़ेगा, एक बार टेस्ट करते भाई रहता कैसे। तो पहले ठंडा होने देते इसको। अपना मिल्क ड्रिंक रेडी हो चुका है, सब लोग हॉट चॉकलेट पीने के लिए तरसते हैं और मैं कोल्ड चॉकलेट पी रहा हूँ। चलो कोई नहीं, इसके अंदर दूध है और आइस क्यूब से, शक्कर तो बिल्कुल भी नहीं डाला, ओनली बस बॉम्बिटा डाल के इसको बस एकदम ब्राउनिश कर दिया। भाई दिखाओ कैसे, नीचे गिर जाएगा। चलो कोई नहीं, अब इंजॉय करते हैं अपने कोल्ड मिल्क को। टेस्ट एकदम जबरदस्त है यार, बहुत ही अच्छा है। शाम के 6 बज चुके हैं और अब लग रहा है एकदम खतरनाक वाला तूफान आने वाला है ना, तूफान आने वाला जैसा लग रहा है ना। चलो कोई नहीं, पहले तो अभी पापा से दुकान पे चलते हैं। गाड़ी को तो दुकान के पास पार्क कर दी एंड अभी चलते हैं जिम क्लास कंप्लीट करके आते हैं। भाई अभी दिख रहा है दिन, वापस आए जब फिर रात हो जाएगी।
वापस ऐसे आराम से भेजेंगे। क्लास हो गए तो हो चुकी है, आज पहले चलते हैं एक्टिवा में पेट्रोल फुल कराते हैं। भाई पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि भैया कल गए थे ना गाड़ी लेके बाहर, तो एक्टिवा लेके गए थे एंड पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो बस जाके भरा लेते हैं। अभी डिनर करते हैं, जो कि कीरा। मैं ही पापा जी तो मस्त डिनर कर रहे हैं, लेकिन हमें तो बस कीरा ही खाना है यार, क्योंकि हमारा उपवास है रोटी से। तुम्हारा कीरा है, मेरा वाटरमेलन है। मेरा तो कीरा भी है एंड कैरेट भी है, तो हम तो बस यही खाएंगे, क्योंकि हमारा आज उपवास चल रहा है। आज नहीं, थोड़े दिनों के लिए बस उपवास ही चल रहा है। रोटी वगैरह नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते, खाली ओनली वेजिटेबल्स ही खानी है। चलो कोई नहीं, खाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ज़्यादा भूख लगी तो फिर कभी कभार रोटी भी खानी पड़ेगी यार। तो पहले तो अभी अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। एंड दीदी फिलहाल मस्त वाटर मिलन काट रही है। मेरे लिए भी ला वाटर मिलन। चलो थैंक यू, थोड़े पीसेस लेके देता हूँ, ठीक है। तो अभी रात के 11 बजने को आ गए एंड अभी एडिटिंग और सब कुछ फिनिश हो चुकी है। डिनर करके फटाफट से एडिटिंग पे लग गया एंड बीच में एक्चुअली फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था भाई, 2% ही था एंड जैसे जैसे करके एडिटिंग कंप्लीट कर रहा था एंड जाके से फ़ोन स्विच ऑफ ही हो गया। फिर फटाफट से फ़ोन को चार्जिंग में डाला एंड 10% चार्जिंग हुआ, फिर वापस एडिटिंग पे लगा एंड अभी बचा है भाई 3% ही बचा है। फटाफट से ब्लॉग को एंड करते हैं एंड फिर ये अभी सेव करके एडिट करके फिर वापस से चार्जिंग में डाल के बस सोना ही है अभी। एंड क्योंकि फिर बस भी वापस जल्दी भी उठना है, क्योंकि जिम जाना है वगैरह, भाई बहुत ही काम है, हर दिन काम रहते रहता है यार, कभी भी लेट नहीं उठ सकते यार एडिटिंग वजह से, क्योंकि सुबह सुबह जिम जाना रहता है ना, नहीं तो उठ भी सकते थे कभी कभार लेट, लेकिन कभी उठ ही नहीं सकते। अभी व्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि अभी बस सोने का प्लान है एंड फ़ोन को भी सोने का प्लान है भाई, फोन अगर स्विच ऑफ हो गया तो फिर सो ही जाएगा, फिर ना तो व्लॉग को एंड कर पाएंगे, फिर वापस मुझे 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। चलो आई होप यू एंजॉयड, इफ़ यू एंजॉयड प्लीज़ हिट ए लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है गाइस। मिलते हैं गाइस इस व्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड बाय बाय।